मुख्यमंत्री बनना है न इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहाँ है वहाँ खुश है। बिस बिसाता है, हम बिस बिसाए हुए लोग है, कोई शर्म नहीं। बताइए पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते, असली निशाना तो वहां। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े, ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां है वहां खुश है, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है, अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको। लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पर इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है, कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना गया है इन लोगों को, लकुआ मारा हुआ है अभी भी, नहीं वो काटता है तो पूरा बिछिलता है, हड्डा हड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते उसको, काटता तो क्या होता है यहाँ, जलन जो होता है, क्या होता है उसको, जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है महोदय। बिस बिसाता है, एकदम बिस बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ सदन में बोला नहीं तब विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। बताइए पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया है, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सर, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है, वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम ही लोग करते, नकारात्मक राजनीति करते। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा, हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे, और लेकिन देना नहीं देना वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।